हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर के एसएससी एमटीएस के जीके के और इंग्लिश के सभी क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम और एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए 399 रुपीज़ में 1 साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स को मिला के। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको और आंसर बताऊंगा। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। केवल क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा। ये 5 अक्टूबर के एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और इसमें मैंने तीनों ही शिफ्ट के क्वेश्चन लिए हैं, इंग्लिश के और जीके के। देखिए, ये पीएम की जो स्कीम्स हैं जितनी भी, उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक उजाला स्कीम है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है और इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लैड फॉर ऑल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन पिछली बार प्रोटॉन पे भी आया था, प्रोटॉन पर, डीएनए पे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो इसका आंसर है जेम्स चैडविक, ठीक है, ये इसका आंसर है। और दास कैपिटल पुस्तक जो है किसने लिखी है, दास कैपिटल, ये बहुत फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की, जो कि एक समाजशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, कार्ल मार्क्स। बहुत फेमस बुक है ये, दास कैपिटल। अब हम आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट डे इन समर सोलास्टिस। समर सोलास्टिस एक इवेंट होता है, एक प्रोसेस होता है ज्योग्राफी में, और इसमें जो सबसे लंबा दिन है वो है 21 जून। 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे माना जाता है समर सोलास्टिस में। कलर ऑफ लिम्फ फ्लूड। लिम्फ फ्लूड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। लिम्फ फ्लूड, ये पानी जैसा होता है। आगे देखते हैं, कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन मालाबार जॉइंट एक्सरसाइज। तो मालाबार जॉइंट एक्सरसाइज में यूएसए है, जापान है और इंडिया है, तीन कंट्री हैं इसमें। आगे देखते हैं, लॉन्गेस्ट डेजर्ट और सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा ही है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डेजर्ट सहारा। हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में देखिए 12 तो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो होते हैं 238। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा का। ये क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है कि एनआईसी, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एनआईसी का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो पिछली बार जैसे HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इस तरह के जो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स हैं इनको आप अच्छे तरीके से याद करिए, ये एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। 2017 का डैन डेविड अवार्ड किस साइंटिस्ट को मिला है, ये श्रीनिवास कुलकर्णी हैं, इनको 2017 का डैन डेविड अवार्ड मिला है। लोढ़ा कमेटी किससे रिलेटेड है, लोढ़ा कमेटी क्रिकेट से रिलेटेड है, ये तो बहुत फेमस कमेटी है लोढ़ा कमेटी, इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आया था लोढ़ा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए किस मटेरियल को गर्म किया जाता है, तो इसका आंसर है जिप्सम। आगे देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है। मधुबनी पेंटिंग बिहार से रिलेटेड है, और इस पेंटिंग का जो दूसरा नाम है वो है मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग भी इसको हम बोलते हैं। मुस्लिम लीग ने जो सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी वो फर्स्ट टाइम कब की थी, तो इसका आंसर है 1930। 1930 में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी। RTI या राइट टू एजुकेशन इन विच आर्टिकल। राइट टू एजुकेशन ये 21, राइट टू एजुकेशन अलग है और राइट टू इंफॉर्मेशन अलग है, ठीक है, ये 21A में है ये आर्टिकल। आगरा समिट किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो आगरा समिट इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज के बीच में है। आगे हम देखते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का 64th नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जायरा वसीम को मिला है जी, दंगल फिल्म के लिए मिला है इनको ये अवार्ड। और होल इन अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, ये बहुत फेमस बुक है, मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, जिम कॉर्बेट ने इसको इस बुक को लिखा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में, तो जिम कॉर्बेट ने ये बुक लिखी है मैन ईटर्स ऑफ कुमायू। मैन ईटर्स ऑफ कुमायू ये किसके लिए बोला गया है, ये टाइगर्स के लिए बोला गया है। वहाँ पर एक टाइगर था जो मैन ईटर था, ठीक है, तो उसको मारा था इसने, जिम कॉर्बेट ने, उनके बारे में ये बुक है मैन ईटर्स ऑफ
कुमाऊ। इंडियन क्रिकेट टीम के करंट कोच कौन है? रवि शास्त्री इसका आंसर है। हु डिस्कवर डीएनए स्ट्रक्चर? तो डीएनए स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर किया है? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिस, ये इसका आंसर है। आगे हम देखते हैं, लास्ट ग्रेट किंग अमंग मुगल्स, मुगल्स का जो लास्ट किंग था और जो जिसकी गिनती ग्रेट मुगल्स में होती है वो था औरंगजेब। आगे देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेट? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। स्ट्रेट से क्या मतलब है आपका? स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो पैसेज होता है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, ठीक है। जैसे एक वाटर बॉडी ये है और एक वाटर बॉडी ये, इन दोनों को जो एक नैरो पैसेज जोड़ता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो ये इसका आंसर है। हु इन्वेंटेड ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इसका नाम है। फुल फॉर्म ऑफ NNP, इसका फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एफ फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के लिए एक ऐप बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और उसका नाम है गर्व सेकंड, गर्व सेकंड। आगे देखते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसमें ऑप्शन मिले थे, इसमें आयरन था, सिल्वर था, बहुत सारे इसमें चार ऑप्शन थे इसमें, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें आयरन हो सकता है इसका आंसर। यहाँ हम देखते हैं, विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल? मेटल से किस तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं? तो इसका आंसर है बेसिक ऑक्साइड्स। और व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज ए कॉनक्लेव मिरर प्रोड्यूस? कॉनक्लेव मिरर किस तरह की इमेज प्रोड्यूस करता है? इसका आंसर है रियल एंड वर्चुअल, दोनों ही तरह की इमेज प्रोड्यूस करता है। बुद्धा के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है ये 5 तारीख को कि बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ पर लिया था? तो इसका आंसर है सारनाथ। और बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है बोधगया, ठीक है। तो बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन यानी फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका आंसर है सारनाथ। केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 इसका आंसर है, CaOCl2। राज्यसभा का फिर से एक क्वेश्चन आ गया, राज्यसभा मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में कितने मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं? तो इसका आंसर है 12, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन वीनस इज फ्रॉम सन? तो सेकंड पोजीशन है वीनस की, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम से ये पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी और किस ईयर में लगाई थी? 1613 में लगाई थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे इंडिया में वो 1600 में आए थे। जूलियस सीजर किताब किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर की ये बहुत ही फेमस किताब है। टू एंड फ्रो मोशन, बॉडी का जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। 23.5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड को क्या बोलते हैं हम? साउथ लैटीट्यूड 23.5, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अपूर्वी सिंह चंदेला ये किस खेल से संबंधित है? ये है शूटिंग से संबंधित। फर्स्ट वर्ण कौन सा है? फर्स्ट वर्ण है ब्राह्मण। चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो जो फर्स्ट वर्ण है वो है ब्राह्मण। ये 5 अक्टूबर के इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है। एंटोनिम पूछा गया है कमिटेड का, फैट का, रिजॉल्व का, डिफाई का। कमिटेड का मतलब होता है एकदम से, जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उसको हम बोलेंगे कमिटेड। एंटोनिम इसका क्या होगा? एंटोनिम हो सकता है इसका इग्नोरेंट, फैट का हो सकता है थिन, रिजॉल्व का हो सकता है कॉम्प्लिकेट, डिफाई का मतलब हो सकता है ऑबे, क्योंकि डिफाई का मतलब होता है बात नहीं मानना या चैलेंज करना, तो ऑबे इसका एंटोनिम होगा। रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली यदि आप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रूट एंड ब्रांच। किल ऑफ वंस मदर, इसको मैट्रिसाइड बोलेंगे। वन वाइट लाइन, ये एग्जैक्ट क्या था? ये इडियम बिटवीन द लाइन था या रीड बिटवीन द लाइन था, तो ये क्लियर नहीं है थोड़ा सा। इसकी स्पेलिंग पूछी गई है मेंटेनेंस की, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, MAINTENANCE। मैन्युफैक्चरिंग की स्पेलिंग पूछी गई है, क्लेवर की स्पेलिंग पूछी गई है और गारंटी की स्पेलिंग पूछी गई है। तो इस तरीके से ये 5 अक्टूबर के SSC MTS के GK के और इंग्लिश के ये सारे क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद के से पहले एग्ज़ाम्स के आप सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। इस प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी प्लेलिस्ट चल जाएगी और इसमें ये सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं।
तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.